अजाब गजाब घर जमाई। डॉली मेरी बहन, बहुत याद आएगी तुम्हारी। आपकी भी दी, अपना ख्याल रखना। लाड़ू भाई, आपके बिना ये घर बड़ा सुना सुना लगेगा। कोई बात नहीं, अब आदत डाल लो। जैसे कमीज पहनी है ना रंग बिरंगी, अपना जीवन भी ऐसी रंग बिरंगा बनाना। बढ़िया से एक्टिंग करना मन लगा के, मोनिका का और इस घर का ध्यान रखना। मैं कोई भगवान हूँ मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है बड़े लाल, हैं? ध्यान रखना अपना। नाना जी की जय हो। खुश रहो, आजाद रहो। नानी जी की जय हो। चलिए डॉली जी। चलते हैं नानी। डॉली, रीटा, हमें लोन पास हो गया। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। ये हमारी फ्रेंड रीटा है। नमस्ते रीटा जी, आप बहुत सही समय पर आई हैं और बहुत सही समय पर आपका लोन भी पास हुआ है। एक दो दिन के लिए क्या मुझे और डॉली जी को आपके घर में सर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है क्या? अरे इनके घर में क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ? अरे नानी जी, आप सब लोगों ने ही तो कहा है कि हम दोनों इस घर से निकल जाएं। हम निकलने के लिए कह रहे हैं? तुमने ही तो लोन लिया था अपने घर के लिए। नानी, हम क्यों होम लोन लेंगे? लोन तो रीटा ने लिया है। तो वो बैंक से जो फोन आया था, वेरिफिकेशन कॉल था नानी। और तुम कहाँ जाने के लिए कह रहे थे? अरे नानी जी, बैंक में हम दोनों का लकी ड्रॉ निकला था, वो लोग भेज रहे हैं फ्री में गोवा 7 दिन और 6 रातों के लिए। अरे तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? नाना जी, मुझे लगा एक बार सारी चीजें फाइनल हो जाए उसके बाद सबको सरप्राइज दे देंगे साथ में। जीजा जी, आपका ये सरप्राइज ना सरप्राइज से थोड़ा कम और शौक से थोड़ा ज्यादा था। और क्या, तुम्हारे सरप्राइज से हमें लगने लगा कि परंपराएं गले की हड्डी बन गई है। बाप रे बाप, सोच सोच कर हमने पता नहीं क्या सोच लिया। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी बात पे शक हो, जरूरी नहीं कि वो सच हो। अजाब गजाब